हेलो स्टूडेंट्स आज ए के एम मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम क्वालिफिकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट लेवल थ्री के अंडर टू प्रमोट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन सर्विसेज नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें नाउ स्टार्ट करते हैं टू प्रमोट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन द सर्विस तो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं और कौन कौन से परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज हैं तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट वन है प्लान इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर सर्विस बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक कि आप जो हैं अपनी सर्विसेज में कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे कस्टमर के फीडबैक के साथ तो इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं पी सी वन है गैदर फीडबैक फ्रॉम कस्टमर दैट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट पी सी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट फीडबैक टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट एंड पर्पज चेंजेस पी सी थ्री है डिसकस विद अदर द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ एनी प्रपोज चेंजेस फॉर योर कस्टमर एंड योर ऑर्गेनाइजेशन पी सी फोर नेगोशिएट चेंजेस इन कस्टमर सर्विस सिस्टम एंड इंप्रूवमेंट विद समबडी ऑफ सफिशेंट अपॉर्चुनिटी टू अप्रूव ट्रायल फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द चेंजेस पीसी वन से स्टार्ट कर रहे हैं गैदर फीडबैक फ्रॉम कस्टमर दैट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमर सर्विस इम्प्रूवमेंट सो कभी भी फीडबैक फ़ीडबैक आपको पता है बहुत ही ज़रूरी है किसी भी बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है सो so, अगर आप फीडबैक कस्टमर से लेते हो तो कस्टमर का कहीं ना कहीं कंपनी के कस्टमर के बारे में हमें पता चल जाता है कि किन चीज़ों को लेकर कौन से ऐसे सर्विसेज uh, हैं जिसको लेकर कस्टमर या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेकर कस्टमर जो है सेटिस्फाई है सो so, फीडबैक जो लेने का तरीका है वो फेस टू फेस भी हो सकता है ओवर द फ़ोन कॉल भी हो सकता है बाई ई और इंटरनेट भी हो सकता है हैंड रिटर्न फॉर्म्स में भी हो सकता है सो so, ये जो मेथड्स हैं फीडबैक टेकिंग के इसके इसको लेने के बाद एनालाइज़ किया जाता है कलेक्टेड फीडबैक को एनालाइज़ किया जाता है कि कस्टमर को क्या बेसिकली रिक्वायर्ड है हमारी सर्विसेज में कहाँ कोई कमी रह गई है या कहाँ हमें अपने कौन ऐसे एरिया जिनको हम स्ट्रेंथन करना है पी सी टू में है एनालाइज एंड इंटरप्रेट फीडबैक टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कस्टमर सर्विस इम्प्रूवमेंट एंड प्रपोज चेंजेस सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट गैडर एनालाइज फॉलोइंग जो भी डाटा हमारे पास फीडबैक का आएगा उसको एनालाइज़ करने के बाद है ना हमें क्या देखना है सो हाउ इम्पोर्टेंट द कस्टमर आइडेंटिफाई वर्नस आर टू बी और कितना फ्रिक्वेंटली uh, आपका कस्टमर जो है वो आपसे चाहता है प्रोडक्ट ठीक है आर द सर्विसिंग इज समथिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन डज इज कैपेबल ऑफ डूइंग और बट बाउंड टू परस्यू ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को जो और बढ़िया कर सकती है और क्या करना चाहिए और इसके अलावा सो डिटरमाइन विच वॉन्ट बुड मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके कारण कस्टमर को का रिव्यू जो है वो पॉजिटिव आया फीडबैक पॉजिटिव uh, आया इसके अलावा और भी कुछ आप कंसिडर किया जा सकता है जो आप चाहें वो आप फीडबैक में कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन और द इम्प्रूवमेंट ऑफ़ द सर्विसिस और प्रोडक्ट पीजी में है डिस्कस विद अदर द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ एनी प्रपोज चेंजेस फॉर योर कस्टमर एंड योर ऑर्गेनाइजेशन सो जब आपने फीडबैक ले लिया एनालाइज कर लिया तो उसके बाद क्या है स्ट्रोंग रिलेशनशिप कस्टमर से मेनटेन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीक, तरीका है कि रियल टाइम फीडबैक लो ठीक है उस फीडबैक को अथॉरिटीज के साथ शेयर करो और डिस्कस करो कि क्या चेंजेस करने से आ, हमारे यहाँ पे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आएंगी और क्या जो है इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए है सर्विसेज में या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपने कस्टमर के फीडबैक को एनालाइज़ किया है पी सी फोर में नेगोशिएट चेंजेस इन कस्टमर सर्विस सिस्टम एंड इम्प्रूवमेंट विद समबडी ऑफ सफिशेंट अथॉरिटी टू अप्रूव ट्रायल फ़ुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चेंजेस सो so, जो भी आपके पास जो भी फीडबैक आया है जो भी स्ट्रेटजिक हॉराइजन से है ना के अकॉर्डिंग आपको जो फीडबैक है उसको इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रैटेजीज़ बेस पे इम्प्लीमेंट करना है सो वंस फीडबैक आपके पास आ जाता है तो आपके एक्शन जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में शुरू हो जाते हैं तो जैसे फीडबैक आ, आ, आ गया है ना उसके बाद क्या है आप फाइंड आउट right कर फाइंड आउट करोगे कि कौन से एरियाज़ जो है वो स्ट्रेंथन करने हैं कौन से एरियाज़ जो हैं वीक हैं हमारे कौन सी और चेंजेस ला लानी हैं तो उसके लिए क्या है जो है आप जो है वो कस्टमर सर्विस में जो भी आपने चेंजेस लेकर आनी है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की सोचते हो तो ये सारी चीज़ें जो डिस्कस तभी होती हैं जो अथॉरिटी जिस जिसका अप्रूवल लगता है ये जो ये चेंजेस कर सकता है उसके साथ ये बैठ डिस्कस कर करोगे उसके प्रोज और कॉन्स डिस्कस करोगे उसके मींस लाभ और हानियाँ डिस्कस करोगे कि क्या फ़ायदे मिलेगा क्या कस्टमर के फ़ायदे मिलेगा क्या ऑर्गेनाइजेशन को उससे क्या फ़ायदा मिलेगा इन सभी चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है ठीक है सो नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट टू इम्प्लीमेंट चेंजेस इन द कस्टमर सर्विस सो कैसे आप कस्टमर सर्विस में चेंजेस को लागू करोगे तो इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पी सी फाइव है ऑर्गेनाइज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑथोराइज चेंजेस पी सी सिक्स इंप्लीमेंट द चेंजेस फॉलोइंग ऑर्गनाइजेशन गाइडलाइंस पी सी सेवन इन्फॉर्म पीपल इन साइड एंड आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन हु नीड टू नो ऑफ द चेंजेस बींग मेड एंड द रीजन फॉर दैम पी सट मोनिटर अर्ली रिएक्शन टू चेंज एंड मेक अप्रोप्रिएट फाइन ट्यूनिंग एडजस्टमेंट नाउ स्टार्ट करते पी सी फाइव से ऑर्गेनाइज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑथोराइज चेंज नौ no, जो भी आपका फाइनल अप्रूवल हुआ है नगोशिएट करने के बाद जो भी सफिशेंटर ऑथॉरिटी ने अप्रूवल दिया है अब इसको ऑर्गेनाइज करना है ऑर्गेनाइज मींस कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में लेकर आना है तो उसके लिए क्या है आप जो भी मैनेजर्स हैं पर्टिकुलर लेवल पे उनसे आप ये डिस्कस करो जो भी इम्प्लॉय हैं फ्रंट लाइन पर उनसे ये सीनियर मैनेजर से चेंज करोगे कि इस तरह से चेंजेस लेकर आने वाले हैं ठीक है और उसके लिए हमारा प्लान ये है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पायलट प्रोजेक्ट करते हैं उस पर इंप्लीमेंट करते हैं कि थोड़े टाइम के लिए ओपन करते हैं और उसका इम्पैक्ट चेक करते हैं सो एक टेस्ट के लिए बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है देन उसको टेस्ट किया जाता है टेस्ट करने के बाद क्या है बेंचमार्क मार्क सेट करे फिर उस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है फीडबैक लिए जाते हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लिया जाता है ये फीडबैक और उसको अगेन एनालाइज़ किया जाता है पी सी सिक्स इम्प्लीमेंट द चेंज फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गाइड्स ठीक है सो इन कंपनीज टॉप मैनेजमेंट ऑलवेज़ इंश्योर करती हैं कि इम्प्लॉई ऑफ ऑल लेवल्स जो हैं वो जो भी चेंजेस लेकर आए जा आ, आ, आ रहे हैं कस्टमर के लिए सर्विसेज में ठीक है वो उसको भली भांति से स, तरीके से समझ लें ठीक है सो so, ये जो स्टोर के लीडर्स हैं वो आ, अच्छे से आ, इस कस्टमर सर्विस की इंपॉर्टेंस को कम्युनिकेट करते हैं मैनेजमेंट जो है रेगुलरली इसमें इन्वॉल्व होकर चेक करती है कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है किसी तरह का कोई ऐसा जो है कस्टमर में ऐसा कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है या पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ जो फ्रंटलाइन कस्टमर सर्विस वर्कर हैं मस्ट वी एम्पावर्ड है ना उनको एम्पावर करना पड़ता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होनी है ऑन द स्पॉट बाय इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस है ना और जो भी चेंजेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइन के एस में बोले गए हैं वही चेंजेस लेकर आने हैं ना इन्फॉर्म पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन हु नीड टू नो ऑफ द चेंजेस बींग मेड एंड द रीज़न फॉर देम सो जो भी आपने चेंजेस इम्प्लीमेंट किए हैं तो जो भी क्लाइंट्स हैं जो भी आपके क्लाइंट्स हैं चाहे वो सप्लायर्स हैं चाहे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं है ना उनको ये जरूर इन्फॉर्म करना है कि किस तरह के चेंजेस आपकी सर्विस मोड में चेंज किए गए हैं सो दैट कि कस्टमर जो है जो हमारे क्लाइंट हो तो वो पहले से अवेयर हों उन चेंजेस से अगर उनका कोई रिएक्शन है तो हमें उसके अकॉर्डिंग उनका उसका फीडबैक मिल सके ना है ना पी सी एट मोनिटर अर्ली रिएक्शन टू चेंज एंड मेक अप्रोपरेट फाइन ट्यूनिंग एडजस्टमेंट सो एक कंसीडेड अप्रोच जो है अप्लाई की जाती है मैंने बताया कि पायलट बेसिस पे टेस्ट बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा सो so, उसमें क्या है रिएक्शन चेक किए जाते हैं और उनको एनालाइज़ किया जाता है इंटरप्रेट किया जाता है ठीक है सो so, जो भी रिजल्ट्स हैं वो जो है कंपाइल करके अप एंड डाउन ऑर्गेनाइजेशन में रिव्यू किया जाता है कि किस तरह के रिजल्ट रहे हैं पॉजिटिव हैं नेगेटिव है न्यूट्रल हैं है, है, किस तरह के हैं

your analysis and interpretation to change to identify opportunity for further improvement present these opportunity to somebody with sufficient authority to make them happen so अब next उसमें performance criteria में बोल रहे हैं कि हमें जो भी feedback आए हैं उसको हमने collect किया record किया ठीक है उस changes को जो भी आपने implement किया था services में उस changes को collect किया then record किया अब record करने के बाद क्या हुआ कि changes जो आप आपनी जो भी फीडबैक ड्राइव हुआ है ना जो आपने ट्रैक किया पूरा सो so, uh... उसमें से कितने कस्टमर हैं जिन्होंने उसमें भी एडिशनल आइडियाज़ अपने दिए हैं या इनपुट्स दिए हैं कि क्या चीज़ और इसमें सरप्लस होती तो ये ज़्यादा बेटर होती या क्या चीज़ जो है ये सही नहीं है और क्यों सही नहीं है तो कई बार कस्टमर भी कस्टमर से ही फीडबैक लिया जा रहा है तो वो जो चेंजेस किए हैं उसके बिहाव पे अपने कस्टमर से ये ये आइडियाज़ लिए एडिशनल आइडिया और इनपुट हैं है ना जो भी उसके ड्रॉज़ एंड कॉन्स हैं वो भी चेक किए ठीक है सो राइट कस्टमर जो हैं है ना वही इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं अगर आपने अच्छे बिल्ड रिलेशनशिप बिल्ड किए हो तो वो डेफिनेटली आपके बिजनेस को और बेटर बनाएंगे है ना सो so, uh, आपने ये काम किया नाउ पी सी टेन में एनालाइज एंड इंटरप्रेट फीडबैक एंड शेयर योर फाइंडिंग ऑन द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस विद अदर्स अब जो फीडबैक आया है ना उसका uh, जो क्लाइंट से फीडबैक आया और जो कि उन्होंने ओरिजिनली दिया था अब नाउ एन findings कि कितने, कितने, कितने है, है, है ना उसकी फाइंडिंग्स देखी जाएंगी एनालाइज़ किया जाएगा डाटा कि पॉजिटिव कितने हैं, न्यूट्रल कितने हैं, कितने डिसएग्री हैं या एग्री हैं है ना उसको है ना वो है ना और उन चेंजेस को फील करने के बाद क्या इनपुट्स दी हमारे क्लाइंट्स ने ये काम करने के बाद अब फीडबैक को शेयर किया जाएगा मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट uh, जो है है ना वो एनालाइज़ करेगा बेसिकली इंटरप्रेट करेगा फ़ीडबैक को है ना और ये जो फीड और फीडबैक लेगा मैनेजमेंट से और कलीग से कि आपका क्या कहना है उस पर सजेशन्स लेगा सजेशन्स लेगा नाउ में समीराइज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द चेंजेस नाउ जब आपने एनालाइज़ की रिपोर्ट रिपोर्ट सबमिट की तो उसके बाद क्या है कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवांटेजेस की रही कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसएडवांटेजेस की रही ये सारी चीज़ें निकाली जाएंगी नाउ

से एयरटेल की एक ऐड भी देखी होगी एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी टीवी की जब तक एक भी कस्टमर कंप्लेंट हमारे पास शेष की तब तक हम लगे रहेंगे सो so, ऑब्वियसली बात है कस्टमर की कंप्लेंट्स कभी जीरो होंगी नहीं बिल्कुल है ना तो जीरो तक लगे रहेंगे तो क्या मतलब है वो क्योंकि ये जो कस्टमर सर्विस की साइकिल है इसमें इंप्रूवमेंट कंटिन्यूसली चलता रहता है ये साइकिल चलती रहती है तो दैट इज द रीज़न कि आपके नोज का नाम था कि टू इंप्रूव कंटिन्यूस सॉरी टू जो भी इम्प्रूव करना है टू इम्प्रूव द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द सर्विसेज कि किस तरह से आप जो हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सर्विसेज में करते रहते हो तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है नाउ हो पी सी थर्टीन है प्रजेंट दिज अपॉर्चुनिटीज टू सम बडी विथ सफिशेंट अथॉरिटी टू मेक दैम हैपन सो जब ये पूरे सजेशन्स के साथ पूरा uh, जो है बन गया तो उसके बाद जो एनालाइज़ होने के बाद ये रिपोर्ट जो है मैनेजमेंट का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट उसका सौंपी जाएगी सो दैट की एक्चुअल में जो चेंजेस लेकर आए हैं हम सर्विसेज में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके राइट सो वंस अगें वही प्रोसेस शुरू हो जाते हैं फिर फर्दर so hope you understand whole nose and thank you thank you from ak management classes